ये है ना एक टॉप है, तो अभी है ना मैं पापा को बुलाती हूँ और ये टॉप दिखाती हूँ, बोलती हूँ पापा मुझे ये टॉप लेना है, देखना बस मजा देखना, ठीक है पापा ये टॉप ले लो। तो आज है संडे एंड संडे यानी कि फन डे। और गाइस जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अभी मेरी है ना बोर्ड्स के एग्जाम 2 महीने के बाद में आने ही वाली है, तो उससे पहले ना मुझे गाँव जाके आना है। तो मैंने ना मम्मी से ये बात डिस्कस की, तो मम्मी बोली कि ठीक है हम लोग गाँव चलते हैं, बट है ना पापा की भी तो परमिशन लेनी पड़ेगी क्योंकि अभी पापा है ना बहुत बिजी है, तो पता नहीं पापा हमको गाँव लेके जाएंगे कि नहीं। लेकिन मम्मी और मैं हम दोनों अगर पापा को बोलेंगे ना तो पापा हमको जरूर गाँव लेके जाएंगे। लेकिन अभी आज की बात करते हैं, आज संडे है तो मम्मी ने और मैंने डिसाइड किया कि आज हम लोग खूब सारी शॉपिंग करेंगे। तो आज हम लोग है ना विंटर क्लोथ्स की शॉपिंग करने वाले हैं, क्योंकि यार गाइस महाराष्ट्र में ना इतनी ठंडी नहीं होती है, लेकिन है ना यूपी के साइड मेरे गांव के साइड दिसंबर मंथ में ना बहुत ठंडी होती है, बहुत ज्यादा। और हाँ लास्ट टाइम हम दोनों बार गाँव में ना गर्मी के मंथ में गए थे, तो हमको गाँव में ना इतना मजा नहीं आया, लेकिन इस बार हम ठंडी में जाएंगे तो बहुत मजा आएगा, मस्त आपके सामने ऐसे बैठा करेंगे हम लोग दिन भर। तो गाइस अभी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम हर मंथ कपड़ों की शॉपिंग करते हैं, तो मैं इतने सारे कपड़ों का करती क्या हूँ। चलो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ, लेट्स गो, और मैं बताऊंगी भी कि मैं क्या करती हूँ इन सारे कपड़ों का। तो गाइस अभी मैं आ गई हूँ ऊपर वाले फ्लोर पे, मेरे गेमिंग रूम वाले फ्लोर पे। यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। देखो मेरे मम्मी ने ना ये सारे कपड़ों का, मैं जो कपड़े नहीं पहनती हूँ ना, ये कपड़ों का कॉर्नर बना के रखा हुआ है। इसमें भी कपड़े हैं, ये बैग में भी कपड़े हैं, और ये देखो यहाँ पे भी मेरे बहुत सारे कपड़े जो कपड़े मैं नहीं पहनती हूँ। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतने सारे कपड़ों का हम क्या करते हैं। तो मेरी मम्मी है ना हर मंथ कपड़े डोनेट करती है सबको, जो कपड़े मैं नहीं पहनती हूँ। हम ना इसका वीडियो वगैरह नहीं बनाते हैं। अभी देखो इतने सारे कपड़े मेरे, मैं 1 या 2 बार पहनती हूँ इसको, तो उसके बाद में ना मैं ये कपड़े यहाँ पे लाके रख देती हूँ ताकि मम्मी ना सबको डोनेट कर सके इधर उधर। अभी ये सारे कपड़े है ना मम्मी डोनेट करने वाली है सबको, देख रहे हो। तो देखा आप सबने इतने सारे कपड़े जो मेरी मम्मी है ना हर मंथ डोनेट करती है। और ऐसा नहीं है कि मैं कपड़े है ना रिपीट करके नहीं पहनती हूँ, मैं कपड़े बहुत रिपीट करके पहनती हूँ, लेकिन फिर भी जो कपड़े मुझे नहीं चाहिए होते वो मम्मी है ना ज़रूरतमंदों में डोनेट कर देती है। इसका हम लोग वीडियो वगैरह नहीं बनाते हैं। सो एनीवेज अब आपको पता चल गया ना कि हम ये सारे कपड़ों का क्या करते हैं। अब हम लोग है ना जल्दी से चलते हैं शॉपिंग मॉल शॉपिंग करने के लिए, लेट्स गो। देखो देखो गाड़ी कितनी गंदी हो गई है। अब मैं पापा को जरा सुनाती हूँ कि गाड़ी कितनी गंदी हो गई, आप साफ नहीं कर सकते क्या पापा? ये क्या है, गाड़ी कितनी गंदी हो गई है। अभी वॉशिंग को लगाता ना मैं। हाँ ठीक है चलेगा, वॉशिंग कर। ये जो शॉपिंग हम कर रहे हैं ना ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हम पापा को है ना शॉपिंग होने के बाद में शाम को बताएंगे, ठीक है पापा? क्यों कर रहे हैं वो शाम को पता चल जाएगा। सरप्राइज, यस बहुत बड़ा सरप्राइज। फिर वालों मैंने चालू नहीं किया था कैमरा, क्या बोल रहे थे अभी आप? मैं 6 महीने आप सबसे दूर रहने वाली। मैं तो बोलता तू है ना 1 साल है ना तू ऐसा ऐसा तपस्या भी पसंद नहीं रहती कैसे लेडीज लोगों को कि ऐसा एक साल के लिए एक आधी लेडीज समझो ना कैसे वाइफ तपस्या करने चले गए हिमालय में। ऐसा तो मैं जा रही ना 6 महीने के लिए। कहाँ पे? तुम सबसे दूर जा रही हो 6 महीने। ओह माय गॉड, नहीं रह सकते आप पापा के बिना। तो आ गए हम लोग मॉल में, और मेरा है ना एकदम क्लियर है, मुझे है ना सबसे पहले पैंटालून जाना है, वहाँ से अपने लिए ना लेगिंग्स और अच्छे अच्छे टॉप्स लेने, फिर उसके बाद में हम जाएंगे H&M, वहाँ पे देखते कुछ नया कलेक्शन आया है क्या। ये विंटर शॉपिंग क्या रहती है लेकिन लड़कियों की? विंटर शॉपिंग में सर्दियों के कपड़े जैसे स्वेटर कैप्स वगैरह। नॉर्मल शॉपिंग में और विंटर शॉपिंग में मेरे को कोई फर्क नजर नहीं आता लड़कियों के। आज तो वही कपड़े लेंगे जो तो हमेशा लेती है। नहीं ऐसे देखता ना बच्चा। हाँ चलो दिखाते ना पापा को विंटर शॉपिंग क्या होती है। हाँ ना पापा समझते ही नहीं है लड़कियों का सब कुछ। आपका वीडियो बहुत अच्छी है। ये देखो ये हम लोग जा रहे हैं पैंटालून में, आ जाओ। देखो पापा अंदर शॉपिंग कर रहे हैं, आ जाओ हम चलते हैं अंदर। इतने सारे टॉप से मुझे है ना टॉप और लेगिंग्स ऐसे सिंपल ही लेना है, फिर जैकेट वगैरह देखते हैं विंटर स्पेशल। अच्छा लग रहा है ये ब्लैक वाला, अच्छा लग रहा है बताओ गर्ल्स। इसमें और भी बहुत सारे कलर्स है, व्हाइट वाला ब्लैक और व्हाइट ही मुझे अच्छा लगता है। हाँ देखो ये होते हैं लड़कियों के विंटर क्लोथ्स। हाँ इसको विंटर शॉपिंग बोलते हैं पापा। ठीक है देखते हैं हम ये जैकेट भी ट्राई करके देखते हैं, ये अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। हाँ ये ना ये देखो ये ऐसे वाली टी शर्ट लेने हैं मुझे। हाँ ये फुल स्लीव्स वाले और ये पिंक वाला कलर भी देखो ना कितना ब्राइट और मस्त है। इसमें ये वाला एक डार्क पर्पल भी कलर है, ये ट्राई करके देख लेते एक बार हम। ठीक है ये पिंक, ये वाला एक, ये देखो ये एक वाइट में भी है। पापा पकड़ो, आप कैमरा पकड़ो। ये देखो ये वाइट में भी है, ये कितना अच्छा है ना। ट्राई करके देख लेते हो जो अच्छा लगा वो ले। हाँ मैं ट्राई करके देख लेती हूँ एक बार। ये ब्लैक वाला भी देखती हूँ, ये ब्लैक वाला भी है। ये वाला कितना क्यूट है देखो, ये वाला भी एक ब्लैक है। देखो इस पे डिजाइन है, ये वाला कितना सही है ना। और मुझे कौन सा वाला लेना चाहिए कलर? देखो ये वाला भी एक कलर है, इसमें ये वाइट वाला भी एक कलर है, ब्लैक वाला भी है, ये वाला भी एक कलर है। ये देखो ट्राई करके अच्छा लग रहा है ये। देखो ये वाला भी एक साइड कितना अच्छा है ना। ठीक है देखते हैं। सबसे पहले जो मैंने है ना टॉप्स और टी शर्ट लिया ना वो ट्राई कर लेते हैं पहले। ये जैकेट अच्छा है ना। तो पैंटालून में हम करेंगे विंटर वेयर्स की शॉपिंग जो हम लोग गाँव में पहनने वाले हैं। एंड H&M में हम करेंगे वेस्टर्न वेयर्स की शॉपिंग। वाव ये ब्लैक वाला देखो, इसमें एक्स्ट्रा स्मॉल साइज नहीं है। सारे कपड़े ट्राई करेंगे, बड़ा मजा आएगा। हो गई शॉपिंग तुम्हारी तो ये 10,000 रुपए की। नहीं नहीं यहाँ पे ना जैकेट दिखा रहे, देखो इसमें कितने सारे कलर है। ये रेड कलर है, फिर मेरा ऑल टाइम फेवरेट ब्लैक कलर भी है और इधर के साइड ब्राउन कलर भी है। अच्छा है ये ब्लैक वाला जैकेट। देखो मैंने ना कितने सारे ड्रेसेस ट्रायल के लिए लाया। फटाफट अभी है ना ट्राई करते हैं और देखते हैं कौन सा वाला अच्छा लगता है। ठीक है देखो सबसे पहले ना मैंने ये वाला टॉप ट्राई किया है, पता नहीं कौन सा कलर है लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब बताओ कैसे लग रहा है? थोड़ा सा अलग डिजाइन है ना ये टॉप का। एक बार है ना मम्मी को दिखा देते हैं। मम्मी कैसे लग रहा है? अच्छा है। अच्छा है कि नहीं? सीधे सीधे बोलो ना। नहीं लग रहा अच्छा तो दूसरा ट्राई कर सकते हैं। आपको कैसा लग रहा है? पापा क्या बोलेंगे, उनको जो अच्छा लग रहा है बोलो ना। ठीक है दूसरा ट्राई करते हैं। देखो ये पिंक वाला टॉप कितना अच्छा लग रहा है ना, एकदम नॉर्मल सिंपल, बहुत सही लग रहा है ये। अच्छा दिख रहा है ये पिंक वाला, सही लग रहा है मुझे भी, ये सही लग रहा है। ठीक है ये ले सकते हैं। तो जो टॉप मुझे पसंद आ रहा है ना मैं वो ये वाले बैग में डाल देती हूँ। ठीक है ये वाला तो मुझे सही लगा है तो ये एक मैं ले रही हूँ। ये देखो ये रहा और एक टॉप, ये मुझे इतना सही नहीं लग रहा है। ठीक है देखते हैं। सो ये वाला जो टॉप है ना ये मम्मी को भी इतना अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे भी इतना अच्छा नहीं लग रहा, एकदम ढीला ढीला सा है ये। दूसरा ट्राई करते हैं। देखो ये रहा ये और एक पिंक वाला टॉप, ये भी बहुत ओवर लूज है। देखो एक्स्ट्रा स्मॉल साइज है, कितना ओवर लूज हो रहा है। देखो मम्मी आई थिंक मैं पतली हो गई। ये देख ये ट्राई कर। हाँ ये लेगिंग्स ट्राई करके आती हूँ मैं। मुझे एक भी टॉप अच्छा नहीं लगा यार, बस वो जो पिंक वाला मैंने पहना था ना वही अच्छा लग रहा है। ये देखो ये रही फर्स्ट वाली लेगिंग्स, एकदम बढ़िया है ये। मुझे है ना जीन्स या फिर जेगिंग्स से ज्यादा है ना लेगिंग्स पहनना पसंद है, मतलब एकदम कंफर्टेबल है ये। देखो ना एकदम सही है ना। ये देखो ये रही पिंक कलर की लेगिंग्स, कितना मस्त कलर लग रहा है ना, एकदम फ्रेश कलर, पिंक पिंक अच्छा लग रहा है। कि बताओ पिंक टॉप पिंक लेगिंग्स। ये देखो ये रही डार्क पिंक कलर की लेगिंग्स, कैसी लग रही है बताओ? मुझे तो है ना सारी लेगिंग्स अच्छी लग रही है, इनके कलर भी एकदम फ्रेश है। देखो मैं तो सारी लेगिंग्स लेने वाली हूँ। ये वाली बताओ वैसे कैसे है सच में? देखो मैंने ना ये वाला भी एक ड्रेस ट्राई किया है, जैसे सेलिब्रिटी लोग एयरपोर्ट पे नहीं पहनते, उनका एयरपोर्ट लुक नहीं होता है, वैसा ही है। अच्छा लग रहा है कि बताओ? एक सेकेंड है ओपन करते हैं। देखो कैसा लग रहा है मुझ पे ये, अच्छा लग रहा है क्या? मुझे तो है ना ये बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि है ना ऐसा कोई ड्रेस मेरे पास है भी नहीं, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ये वाला भी ले लूँ। क्या बोलते हो आप सब लोग? देखो मैंने ना ये ब्लैक वाले पैंट पे ये हुडी टाइप है ना टॉप ट्राई किया है, कैसे लग रहा है बताओ? इस पे कार्टून वगैरह भी है ना, बहुत सही लग रहा है ये। अच्छा तो लग रहा है, देखो कैसे लगा? अच्छा है ना, अभी और कैसी चाहिए मम्मी आपको? हाय मासी कब आए आप? अभी आई। कैसे लग रहा है बताओ ये जो मैंने ये पहना है? ये कार्टून वगैरह सही है ना? सही है। हाँ वो भी लेने वाली हूँ ब्लैक वाला। देखो गाइस मैं ना ये वाला एक श्रग भी लेने वाली हूँ, ये श्रग का कलर भी एकदम अच्छा है, बढ़िया लग रहा है मुझे। क्या देख रहे हो? मैंने और 2 टी-शर्ट ले ले। अच्छा ठीक है मैं भी आई ट्राई करके। अच्छा है जितने कपड़े दो उतना मजा आएगा, मेरे को ट्राई करने हैं और क्या। ये देखो ये रहा ब्लैक वाला टॉप, बताओ कैसे लग रहा है? ये जितने भी टॉप्स हैं ये सारे 300 और 400 रुपीस के हैं। ये देखो, ये रहा पर्पल वाला टॉप। इस तो ये कितनी क्यूट लड़की है, देखो अच्छा लग रहा है मुझे ये वाला भी टॉप। और पहले जो मैंने ब्लैक वाला टॉप पहना था ना, वो भी मुझे अच्छा लग रहा है। सेम मुझे ना ये वाला पिंक टॉप भी अच्छा लग रहा है। जो लेगिंग्स मैंने लिए है ना, उनके साथ में ये बहुत अच्छे लगेंगे टॉप। ये रहा लाइट पिंक कलर का टॉप, ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस मुझे है ना ये चारों टॉप अच्छे लग रहा है, तो मैं ये चारों टॉप लेने वाली हूँ। लेट्स गो। तो देखो गाइस, स्टार्टिंग में मैंने जो ये टॉप्स पहने थे ना, ये मुझे अच्छे नहीं लग रहे, इसलिए मैं ये नहीं ले रही हूँ। ये देखो, ये वाला भी एक कलर बहुत ही लूज हो गया ये मुझ पे। और जो मैं ले रही हूँ ये देखो, ये ब्लैक वाला कॉर्ड सेट जो मैंने अभी पहना था, ये ब्लू वाला टॉप, फिर ये एक श्रग है और बाकी लेगिंग्स है, और वो एक पिंक वाला टॉप है। ठीक है, समझ गए हो। चलो इनका बिल कर देते हैं, फिर निकलते हैं H&M। लो बिल करो। अरे ये नहीं लेना है, ये सिर्फ ये एक बैग ही लेनी है, ये वाली। शौकी हो गए पापा तो सीधा। अभी है ना H&M में अच्छा कलेक्शन आया होगा, वहाँ पे भी जाके है ना ड्रेसेस ट्राई करेंगे। अभी बस वेट करो गाइस। देखो 7640 का बिल हुआ है। यहाँ की शॉपिंग तो हो गई, लेकिन जैसे ही पापा बिल पूछेंगे मेरे को तो ऐसे धक-धक हो रहा है। कितना हो गया बिल? 7640। और अभी इधर भी जाने का H&M में। यस पापा, H&M भी चलो, लेट्स गो। पर ये तैयारी किस चीज की हो रही, वो आपको शाम को पता चलेगा पापा। रेडी रहना, झटका लगने वाला है पापा को शाम को। ये देखो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं H&M में, हंगामा मचा देंगे, खूब शॉपिंग करेंगे। वाह, ये देखो ना, ये वन पीस कितना सही लग रहा है कि नहीं? कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ये मुझे। नहीं, वो विंटर वेयर नहीं है, विंटर वेयर नहीं हो। चलो मेरे को ट्राई करना है एक बार। मेरे को ये वन पीस ट्राई करना एक बार। कितना अच्छा वन पीस है ये। वाओ, ये वाले टॉप देखो कितने अच्छे हैं। ये वाला भी अच्छा टॉप है। ये वाओ, ये भी देखिए, हाँ मासी ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन लूज हो जाएगा ये मुझे। साइज कम देखो। हाँ, ये वाला ट्राई कर सकते हैं हम। ये वाला टॉप अच्छा है ना, ये वाली पैंट के साथ। ट्राई करूँ क्या? देखते एक बार ट्राई करके। देखो मुझे है ना ये वाला एक स्कर्ट अच्छा लग रहा है, और इसके साथ है ना ये तो एक पिंक वाला टॉप अच्छा लगेगा, या फिर ये वाला पिंक टॉप अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे स्कर्ट अच्छा लग रहा है, एक बार ट्राई करेंगे हम। ये वो स्कर्ट के साथ है ना ये वाला टॉप अच्छा लगेगा, और एक बार है ना ये वाला भी ट्राई करके देखते हैं। दोनों पिंक टॉप है। हाँ, ब्लैक भी अच्छा लगेगा उस पर, अभी ट्राई करेंगे ना। ये भी रख दो। और मुझे क्या लेना चाहिए यहाँ पे है ना, वन पीस बहुत अच्छे होते हैं। एक बार वन पीस भी देख लेता है। देखो ये वाला वन पीस। मैं आपके ब्लॉग्स देखती हूँ। थैंक यू सो मच। ये देखो यहाँ पे मुझे मेरी सब्सक्राइबर मिली। देखो मुझे ये वाला वन पीस ट्राई करना चाहिए ना, अच्छा लग रहा है ये। एक बार देख। और भी व्हाइट वाला भी है इधर शायद। ये वाओ, ये देखो ना, ये भी एक बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी एक बार ट्राई करके देखो क्या स्कर्ट है ये। देखते हैं इसको ट्राई करके। तो ये है ना एक टॉप है, तो अभी है ना मैं पापा को बुलाती हूँ और ये टॉप दिखाती हूँ। बोलती हूँ पापा मुझे ये टॉप लेना है, देखना बस मजा देखना, ठीक है पापा? ये टॉप ले लो क्या? नहीं, अच्छा है ना। दिमाग खराब नहीं करना, मुँह फोड़ूंगा मैं। अच्छा लगेगा ना साले का। खोपड़ी तोड़ साले का। ए, तुमको अच्छे कपड़े मिलते नहीं कह रहे? अभी इतना अच्छा टॉप तो था नहीं, बोल रहे पापा उसको। वो टॉप है क्या? स्कर्ट भी ले, उसके ऊपर मैचिंग में। चलो अभी हम ट्रायल रूम में जाके ना सारे ड्रेसेस ट्राई करते हैं। अभी आए हम। चलो एक बार है ना लेडीज एसेंशियल देखते हैं जाके। कुछ लेना तो नहीं है ना। काफी सारी गर्ल्स ने मुझे कमेंट किया है कि आपने लेडीज एसेंशियल शॉपिंग की तो है, बट क्या बाय किया है कभी नहीं दिखाया। सो गर्ल्स ये देखो, अगर आप भी मेरे एज के हो तो यहाँ H&M में आपको बेस्ट ब्रांडेड लेडीज एसेंशियल मिल जाएगी। ये देखो, ये यहाँ लेडीज एसेंशियल है ना, तो ये वाला ले लेते हैं। कभी भी लेडीज एसेंशियल ब्रांडेड ही पहनना, लोकल मार्केट से सादे कपड़े वाले नहीं खरीदना। एक ही बार 1500 रुपए की ब्रांडेड खरीद लेना। आप इसे 1 साल तक यूज कर सकती हो, जो कि बेस्ट सपोर्ट देगी आपको, एंड वेरी कंफर्टेबल, एंड T-शर्ट या कोई भी ड्रेसेस में परफेक्टली गायब हो जाएगी। यहाँ पे आपको 7 पैंटीज 1500 रुपए का संडे मंडे वाला सेट मिल जाएगा। वेरी कंफर्टेबल जो पैंट्स में से नहीं दिखाई देगी। ये ब्लू वाला स्कर्ट 1500 रुपए का है। मासी की एक देखो मैंने ना ये ब्लू वाला स्कर्ट और ब्लैक वाला टॉप ट्राई किया है, बताओ आप सब लोग कैसे लग रहा है? ये अच्छा लग रहा है ना? एक बार मम्मी को दिखाओ कैसे लग रहा है, बताओ। देख अच्छा लग रहा है थोड़ा। हाँ मम्मी को दिखा एक बार, बताओ कैसे लग रहे हैं? पापा गुस्सा क्यों हो रहे हैं? आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? आपके फेस से दिख रहा है आप गुस्सा हो रहे हो। तेरे मम्मी को ही पूछ, मेरे को मत पूछ। एकदम मस्त लग रहा है, स्कर्ट भी बहुत अच्छा है। मम्मी ले ले, ठीक है दूसरा ट्राई करके आती हूँ। तो हम अब आ ही गए हैं H&M और मैं पार्टी वेयर वन पीस ना ट्राई करूँ ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना। लेकिन है ना हमें पापा से छुप के ये सब वन पीस ट्राई करने पड़ेंगे, नहीं तो पापा बहुत गुस्सा हो जाएंगे। तो इसलिए अभी मैंने ना मासी को भेजा है, मासी है ना चुपके से पार्टी वेयर वन पीस लेके आती है, फिर हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है इतने सारे वन पीस लेके आया, पापा ने दिखा तो नहीं ना? नहीं दिखा ना, पक्का लाओ दो चुपका ट्राई। तो और कपड़े लेके आ गई हूँ मैं, और मासी ने ना मुझे ये पार्टी वेयर वन पीस भी ला के दिया है। चलो इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं ये कैसा दिखता है। क्या ये पार्टी वेयर वन पीस 2000 रुपए का है। कैसा लग रहा है बताओ ये पार्टी वेयर वन पीस? मुझे तो बहुत सही लग रहा है यार, मेरा लेने का मन कर रहा है। एक बार है ना देखते हैं, मुझे सोचने दो, मुझे लेना है। बट कितना सही लग रहा है। ये स्कूल गर्ल्स स्कर्ट एंड टॉप का कॉम्बो 2500 रुपए का है। देखो ये वाला एक स्कर्ट भी एकदम मस्त लग रहा है मुझ पर, देखो अच्छा लग रहा है ना? बताओ ये स्कर्ट तो चलो ठीक है, लेकिन मुझे है ना ये टॉप अच्छा नहीं लग रहा है, ये मैं नहीं लूंगी, रिजेक्ट। देखो मम्मा आ गई, मम्मा से पूछते हैं स्कर्ट अच्छा है ना? अच्छा है। एंड टॉप? टॉप भी अच्छा लग रहा है मुझे, इतना खास नहीं लग रहा टॉप। नहीं लग रहा है? देखो आपको अच्छा लगता है तो। ये व्हाइट स्कर्ट एंड पिंक वाले टॉप का कॉम्बो 2500 रुपए का है। देखो जो स्कर्ट मैंने स्टार्टिंग में लिया था ना वो मैंने पहना है, मुझे अच्छा लग रहा है। आप सब बताओ आपको कैसे लग रहा है? ये कॉलर वाला वन पीस 2000 रुपीज का है। देखो ये जो वन पीस है ना ये फ्रॉक टाइप में, और मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। देखो ये और एक पार्टी वेयर टाइप ब्लैक कलर का वन पीस है, कितना सही लग रहा है ना यार, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को तो लेने का मन कर रहा है। एक बार है ना मम्मी से पूछते हैं मम्मी क्या बोलती है। देखो ये जो स्टार्टिंग में मैंने ब्लू वाला स्कर्ट पहना था ना, ये मुझे अच्छा लग रहा है, उसके साथ ही ब्लैक टॉप, फिर ये पार्टी वेयर वन पीस, ये वाला स्कर्ट, ये ब्लैक टॉप और ये पिंक वाला टॉप, ये वाला स्कर्ट एंड ये और एक ब्लैक कलर का वन पीस है, और ये फ्रॉक टाइप वन पीस है, और ये लेडीज का सेक्शन, ये दोनों ले रही हैं। चलो अभी बिल कर देते मम्मी, मैंने ना 2 पार्टी वेयर वन पीस लिए, पापा को बताना मत। ठीक है चलेगा, मैं बिल कर देती हूँ, नहीं तो देख लेंगे पापा। क्या लाऊं पापा? मैं करती हूँ बिल, दो बिल होने के बाद बताना। ठीक है चलेगा, देख लेने तो पापा को बाद में बताएंगे हम। अच्छा हुआ टाइम पे है ना मैं ही आ गई, नहीं तो पापा ये पार्टी वेयर वन पीस देखते ना तो लेने ही नहीं देते मेरे को, बोलते कि विंटर की शॉपिंग करने आए और ये कहाँ ले रहे हैं। देखो 13,290 का बिल हुआ है। आप कैसे करो पापा ये वाली पेमेंट, चलेगा हमको? वाह पापा कैसा लगा आपको बिल करके? अच्छा नहीं लगा? कुछ नहीं होता, विंटर की शॉपिंग थी ना तो जरूरी। ये विंटर की शॉपिंग नहीं है, ये विंटर की ही है। ये लो पापा ये भी रख दो। आज की शॉपिंग से है ना पापा बहुत खुश हुए हैं। हाँ, मैं कुछ खुश नहीं हुआ। तो ये थी हमारी दिसंबर ड्रेसेस की शॉपिंग। सब वेस्टर्न ड्रेसेस को छोड़ के मेरे 3 मंथ्स ओल्ड कपड़े जाएंगे डोनेशन में। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। अब करते हैं गाँव जाने की तैयारी। पापा ये जो शॉपिंग हमने की है ना, ये हमने क्रिसमस वेकेशन में कहीं घूमने जाने के लिए की है। कहाँ जाने का? गाँव।